हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे पीएसयूज़ के बारे में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की। उनका एक बैफिकेशन है, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में, उसका डिस्कशन हम करेंगे। देखिए, पीएसयूज़ के बारे में अगर हम समझें तो सीधी तरह यही पता चल रहा है कि एक तरह से गवर्नमेंट का प्राइवेट आर्म बोल सकते हैं उसको, कि प्राइवेटाइजेशन का आर्म है गवर्नमेंट का। कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऑटोनॉमी दी, कि बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली चीज़ नहीं रखी, जैसे रेलवेज़ है, उसके बजाय उन्होंने डिपार्टमेंटल के बजाय एक और तरीका निकाला अपना कंट्रोल रखने के लिए प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, पीएसयूज़ के माध्यम से। और ऐसी भी कोशिश की कि उनको मॉडर्न जो मेथड्स चल रहे हैं उस समय के, उसी हिसाब से वो लोग ऑपरेट करें, गवर्नमेंट कंट्रोल भी रहे और ना भी रहे, कुछ ऐसा मतलब उन्होंने जुगाड़ निकाला है। तो उनको पीएसयूज़ कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये तीन तरीके से मेनली जाने जाते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। ये इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इनको एक प्रिविलेज दी जाती है, एक तरह का ये अचीवमेंट है। तो वही देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। पीएसयूज इन इंडिया, व्हाट इज़ अ पीएसयू एक्चुअली? इट्स अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स एनी इंडस्ट्री इन इंडिया इज कॉल्ड अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इट इज ऑल्सो नोन एज पी एस ईज। ओके, समवेयर देर विल बी द वर्ड यूज एज पी एस ईज एंड पी एस यू विल बोथ द बोथ मीन द सेम, विल बी यूजिंग दैम इंटरचेंजिंगली। दोज कंपनीज आर ओन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ फुल ओनरशिप ऑन दिस कंपनीज। ओके, और दे मेट बी ओन बाय एनी स्टेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट और एन टेरिटोरियल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। द मीन्स इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी। द कंपनी स्टॉक नीड्स टू बी मेजोरिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी 100% गवर्नमेंट एंटिटी। इट कैन बी डिसइन्वेस्टेड, जैसा कि होता रहा है, बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट होता है, विनिवेश जिसको कहा जाता है। कंपनी के स्टॉक जो है, इट आर दे आर सोल्ड इन द मार्केट एंड द कंपनी, बट स्टिल द 51%, एटलीस्ट 51% स्टेक शुड बी ऑफ द गवर्नमेंट, देन ओनली वी कैन कॉल इट अ पीएसयू। पीएसयू स्ट्रिक्टली मे बी क्लासिफाइड एज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दीज आर मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर रूल एंड रेगुलेशंस, देयर ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज डन बाय द सेंटर। और द स्टेट लेवल एंटरप्राइजेस मीन्स इफ राजस्थान हैज राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देन इट्स अ राजस्थान स्टेट इंटरप्राइज। सेंटर विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन इट्स रूल एंड रेगुलेशंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। द स्टेट विल बी टोटली मैनेजिंग ऑन इट्स हैंड। सो दीज आर कॉल्ड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एस पी एस सीज और एस पी एस यू। इन 1951 दीज वर देर वर जस्ट फाइव इंटरप्राइजेस, सिर्फ पाँच इंटरप्राइजेस थे, लेकिन अभी लेटेस्ट 2019 के हिसाब से हम देखें तो 348 अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इससे आप पता से लगा सकते हैं कि हाउ मच वी हैव प्रोग्रेस्ड इन द सेक्टर ऑफ पी एस सीज। सो सर्टन सी पी एस सीज हैव बीन अवार्डेड एडिशनल फंक्शनल ऑटोनॉमी। देखिए, द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पी एस यू आर वेरी टफ। जो सरकारी काम होते हैं वो बहुत लिखित में होते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए कितना डिटेल स्टेटमेंट है। तो गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, गैजेट्स आते हैं, या कोई बीच बीच में एक्ट्स आते हैं, वो भी बहुत डिटेल्ड होते हैं। तो ऑटोनॉमी दब जाती है इनकी, तो उस ऑटोनॉमी को एडिशनली दिया जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज में। दिस कंपनीज आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज दैट हैव कंपेरेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, थोड़ा सा इनको नॉर्मल डिपार्टमेंटल जैसे रेलवे वगैरह से थोड़ा एडवांटेज होता है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब ऑटोनॉमी की ज़रूरत क्या है? देखिए, ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो नॉन प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। ठीक है, सरकारी आदमी सरकारी तरीके से काम करता है, फिर कॉम्पिटेटिव नहीं बन पाता बाहर के तरीके से। वो आपके बोर्ड में अगर बाहर के लोग होंगे तो दे विल ट्राई टू मेक प्रॉफिट, दे विल ट्राई टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन बेटर, दे विल ट्राई टू इंटरफेयर इन द मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय देम विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो इन मार्केट एंड बी टू बी ए ग्लोबली कंपिटेटिव कंपनी। अदरवाइज इट विल बी अ
सिंपल कंपनी विच इज़ रनिंग लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, नो प्रॉफिट ओनली लॉस, अदरवाइज बाय दिस मेथड वी कैन मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट. सो फाइनेंशियली द ऑटोनॉमी वॉज इनिशियली गिवन थ्रू नवरत्र स्कीम एक आई थी 1997 में, द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वॉज गिवन थ्रू दैट स्कीम. 2010 में महारत्ना स्कीम आई, उसमें कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी. ये हम पूरा पढ़ेंगे आगे, ये सब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी रिपीट होंगे. महारत्ना जो फॉर्म्स थी उनको भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यही तो होगी. अपने प्रोजेक्ट में कुछ उनको गवर्नमेंट क्लियरेंस का भी काफ़ी छूट मिली थी कुछ लेवल तक का. तो नवरत्ना, महारत्ना और मिनी रत्ना भी हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आगे वाली स्लाइड में पढ़ने लगेंगे. तो पहले अगर हम देखें महारत्ना की बात करें, तो महारत्ना जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है. महारत्ना की एलिजिबिलिटी कंडीशन, पहली एलिजिबिलिटी, शुड बी नवरत्ना कंपनी ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस. एक नवरत्ना कंपनी होनी चाहिए, उसका ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए. साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में, ठीक है. एक एवरेज एवरेज नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 साल में. नेटवर्थ मतलब आपकी लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो आपकी वैल्यू बन रही है उसको नेटवर्थ बोलते हैं. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का उसको मिनिमम प्रॉफिट हुआ हो लास्ट 3 साल में. देखिए 25,000 करोड़ का टर्नओवर हो, टर्नओवर में सब कुछ आ गया, आपका लाइबिलिटीज़ भी आ गए, आपके खर्चे भी आ गए, आपकी बोरोइंग्स भी आ गई, सब आ गए. नेटवर्थ में वो जो बोरोइंग लाइबिलिटीज़ बोरोइंग सब माइनस, तो 15,000 करोड़ नेटवर्थ होना चाहिए. एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में, ठीक है. लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज पे होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पे, और मिनिमम जो शेयर होल्डिंग है वो उसी तरह होनी चाहिए जैसा सेबी ने डिसाइड किया हुआ. अगर ये कंपनी ऐसा कुछ कर लेती है तो उसको महारत्ना का दर्जा मिल जाएगा. अब महारत्ना से फ़ायदा क्या होगा? एक तो ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, उनके बोर्ड जो हैं उसके पावर एनहांस कर दिए जाएंगे टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस. बोर्ड ऑफ दिस PSUs कैन मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू अंडरटेक फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर्स. देखिए जॉइंट वेंचर जो है किसी कंपनी के साथ एक मिलजुल कर वेंचर्स बना सकते हैं, और होली ओन सब्सिडरीज जो है उनको मर्जर भी उनका कर सकते हैं, या किसी सब्सिडरीज को किसी में मर्ज कर सकते हैं या उससे हटा सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं, इंडिया और अब्रॉड में कोई कंपनी खरीद सकते हैं. और इसके इसकी सीलिंग लगाई हुई है कि कितने तक ये सब कर सकते हैं, ये सारे जो इसके प्रिविलेज है कितने तक, 15,000 करोड़ या फिर 15% ऑफ द नेटवर्थ और इनमें से जो भी कम हो, ठीक है. या तो 15% ऑफ नेटवर्थ, माने 1,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का नेटवर्थ है तो उसका 15%, ठीक है, और या फिर 5,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट, ठीक है. यही इसकी लिमिटेशन है कि दोनों में से जो कम होगा 15% ऑफ नेटवर्थ और 5,000 करोड़ वही काउंट होगा. मतलब मैक्सिमम लिमिट होगी, 5,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा. द बोर्ड कैन ऑल्सो स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट स्कीम रिलेटेड टू पर्सन एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है. ये इन पर भी अपनी बोर्ड जो है अपने स्कीम पास कर सकते हैं. और पावर टू क्रिएट बोर्ड लेवल ऑफिसर्स E9 लेवल, मतलब ये है कि ये बोर्ड लेवल ऑफिसर्स की पोस्ट जो होती है उसको बना सकते हैं और उसका पूरा रिक्रूटमेंट वगैरह अपने हिसाब से करा सकते हैं. इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल की E9 लेवल की पोस्ट जो है उनके साथ ऐसा ही कर सकते हैं. कुछ फेमस नाम इनको जानते होंगे आप, भेल, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड GAIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो ये था महारत्नास के बारे में ये चैप्टर है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नवरत्ना के बारे में. कुछ महारत्ना कंपनीज के बारे में आप देख भी सकते हैं, भेल, पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL, BPCL, GAIL, सेल, ONGC, NTPC या इंडियन ऑयल. तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे नवरत्ना कंपनीज और मिनी रत्ना कंपनीज का क्या रोल है. चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार.